हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को दशहरे के ही ऊपर जो बना रही हूँ मैं ब्लॉग, तो आज आपको मैं दिखाऊंगी जो पुराना रथ है वो चलेगा, कल से चल रहा है, जोगी बैठाई के दूसरे दिन से चलता है पुराना रथ और षष्ठी तक चलता है। तो आज मैं वो कवर करके लाई हूँ और वो डालूंगी, तो आगे डालती। अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ, आरती हो रही है। आरती के घंटे और शंख की आवाज़ सुनिए। आरती है, देखिए आरती हो रही है, सुनिए। भक्तजन आरती में शामिल हुए हैं। चलिए आज जानते हैं कौन सी रूप है माता का और उनको क्या भोग चढ़ता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी इनसे बेटा से जानते हैं। बताइए बेटा। सभी भक्तों को जय माता दी। जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। जी आज माता के चंद्र घंटा रूप की पूजा होती है। आज की माता का जो मुकुट है वो चंद्र के आकार का होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा का नाम दिया गया है। जी और माता के आज के जो रूप है उनके 10 भुजा होती है जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होती है। जी साथ ही आज माता का जो वाहन होता है जी वो बाघ होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस माता का पूजा करते हैं या उन्हें प्रसन्न करते हैं जी उनके भक्त बाघ के समान निर्भीक होकर पूरा विचरण कर सकते हैं। जी साथ ही आज माता को दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाना बहुत उत्तम। अच्छा अच्छा ऐसा क्या? अच्छा हमको जानकारी नहीं थी और हमारे व्यूवर्स को भी जानकारी मिलनी चाहिए। आपसे मैं बीच बीच में जानकारी लेती रहूँगी और व्यूवर्स को देती रहूँगी ताकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता, मुझे खुद भी नहीं पता है, तो मुझे आपके द्वारा जानकारी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा कल का कौन सा रूप था बेटा माता का? माता का ब्रह्मचारिणी रूप था कल। जी उस दिन आपने शैलपुत्री रूप बताया था और कल ब्रह्मचारिणी और आज चंद्र घंटा। जी जी ठीक है, फिर मैं आगे भी जानकारी आपसे लेती रहूंगी और अपने व्यूवर्स को देती रहूंगी। जय माता दी। आज 2 दिन हो गए हैं, दूसरा दिन है। पुराना रथ गोल बाजार के गोल चक्कर घूम रहा है, दंतेश्वरी मंदिर से लेके गोल बाजार को घूमते हुए आपको दिखाऊंगी। मैं दंतेश्वरी मंदिर के सामने हूँ, देखिए दंतेश्वरी मंदिर के सामने मैं हूँ। अंदर राजमहल है और ये देखिए कार्यक्रम कुछ चल रहा है, ढोल धमाके की आवाज़ आ रही है, देखिए कुछ कार्यक्रम चल रहा है यहाँ भी, कुछ देवी देवता जो गांव से आए हुए हैं वो जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है मंदिर। नवरात्रि की बेला में अपनी छटा बिखेर रहा है दंतेश्वरी मंदिर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए माई जी का छत्र रख कर पुराना वाला जो रथ है वो घूमना चालू हो गया है, अब खींच रहे हैं इसे, गांव के जो लोग खींचते हैं वो रस्सी के द्वारा खींच रहे हैं। अब ये यहाँ से मावली मंदिर से सीधा जाएगा, मावली मंदिर के सामने से
खींचना चालू किए हैं और ये गोल बाजार चौक से पूरा इधर से होते हुए उधर घूमते हुए टेकरी वाले जो हनुमान जी हैं उनके सामने से सामने वाली रोड से होते हुए फिर सीधा आके दंतेश्वरी माई जी के मंदिर के सामने रुक जाएगा और माई जी का छत्र फिर मंदिर के अंदर विराजमान कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह से लोगों की भीड़ का जमावड़ा देखिए, मेला सा लगा हुआ है, सब देखने आए हुए हैं। वो देखिए, ये देखिए खींचे, ये देखिए, और ये हंसी से फिर पीछे लेके आ गए। ये देखिए फिर पीछे लेके आ गए, अब फिर इसको आगे खींचेंगे। इसी तरह से आगे पीछे करते हुए कम से कम 1.5 घंटा लगाएंगे और तब जाके ये घूम के फिर माई जी के मंदिर के सामने आ जाएगा। ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है, देख के दिल खुश हो जाता है। देखिए दुकान के सामने ले गए हैं क्योंकि अब सही रस्सी से खींचते हैं तो प्रॉब्लम होती है, आगे पीछे हो जाता है, लकड़ी का रथ है तो वो उसको फिर पीछे लेके आते हैं, फिर उसको सही दिशा देते हैं। अब जो है सीधा हुआ है, अब सीधा होके सामने वाली रोड गोल बाजार वाली रोड पकड़ लिया है, अभी फिर एक बार पीछे लाएंगे। ये देखिए पास से दिखा रहे हैं, अब फिर आगे खींचेंगे। अब सही दिशा मिल गई, अब देखिए फिर आगे लेके जा रहे हैं। देखिए अब सीधा होगा, अब बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, सीधा गोल बाजार चौक, ये अब निकल गया, अब निकल गया सीधा। देखिए अब निकल गया सीधा। अब मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ और फिर कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ।